अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू हरी मिर्च। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही क्विक और मज़ेदार ब्रेड गुलाब जामुन। इन्हें हम इंस्टेंट गुलाब जामुन भी कहते हैं क्योंकि ये बहुत ही क्विकली बनते हैं और बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। तो चलिए फिर इन्हें बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस 12। मीर ब्रेड का साइज़ जो है वो छोटा है, अगर आपकी ब्रेड का साइज़ बड़ा है तो आप 8 ले लें और उसके बाद उनकी साइड्स को रिमूव कर लें और फिर सारे ब्रेड स्लाइसेस को हाथ से तोड़ लें, जिस तरह मैं वीडियो में तोड़ रही हूँ। ब्रेड अच्छे से टूट गई है तो अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून पाउडर्ड मिल्क, साथ ही इसमें चली गई है 1 टेबलस्पून पाउडर्ड शुगर और 1/2 टीस्पून इलायची का पाउडर, 1 टीस्पून घी। अब इसकी डो को गूंदने के लिए हमें 1 कप दूध चाहिए, थिक वाला यानी कि मलाई वाला दूध। अगर आपके पास नहीं है तो आप 2 कप दूध को पका लें और पकने के बाद वो 1 कप रह जाएगा तो वो काफ़ी थिक हो जाएगा। अब एक दफ़ा सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा दूध डालकर इसकी डो बना लेंगे। इकट्ठे ही सारा दूध नहीं डालना क्योंकि इस तरह फिर वो डो बहुत ज़्यादा पतली हो जाएगी, इसलिए थोड़ा थोड़ा करके डालना है। जितनी ज़रूरत होगी उतना हम डालते जाएंगे और साथ साथ अच्छे से ब्रेड को क्रश करते जाना है हाथों से। इसके पीसेस मोटे मोटे नहीं रहने चाहिए, पूरी एक डो की तरह ये फॉर्म हो जानी चाहिए। तो देखिए अब डो फॉर्म होने लग गई है तो मैंने दूध साइड पे कर दिया है। पूरा कप यूज़ नहीं हुआ, थोड़ा सा बच गया है। आप भी इसी तरह थोड़ा थोड़ा करके डालिएगा ताकि आपकी भी डो बिल्कुल परफेक्ट बने। अब मैं सारी डो को एक जितने पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ ताकि गुलाब जामुन का साइज़ एक जैसा बने। अब इन्हें गुलाब जामुन की शेप दे देंगे और शेप देने के लिए हाथों पर कोई ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये बिल्कुल भी चिपकते नहीं है हाथों से। तो सारे गुलाब जामुन बन गए हैं, लेकिन इन्हें फ्राई करने से पहले अब हम इनका शीरा बना लेंगे। तो शीरा बनाने के लिए आप एक सॉस पैन में ले लें 1 कप चीनी और 1 कप ही पानी, फिर इसमें डाल दें 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर या फिर इलायची के दाने। उसके बाद आप इसे मीडियम फ्लेम पर पकाएं और साथ साथ इसे मिक्स करते जाएं जब तक कि इसमें एक बॉयल नहीं आ जाता। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा तो आप इसका फ्लेम बिल्कुल लो कर दें और फिर लो फ्लेम पर इसको पकने दें जब तक हम गुलाब जामुन फ्राई नहीं कर लेते, क्योंकि गुलाब जामुन फ्राई करने के बाद हमने गरम गरम शीरे में ही डालने हैं, इसीलिए हम इसका फ्लेम लो करके इसको ऑन रहने देंगे। अब गुलाब जामुन को फ्राई करने के लिए हमने यहाँ पर घी लिया है क्योंकि मिठाइयाँ हमेशा घी में ही फ्राई होती हैं, लेकिन अगर आप घी नहीं लेना चाहते तो आप कुकिंग ऑयल में भी कर सकते हैं, लेकिन उनका फ्लेवर फिर उतना अच्छा नहीं आएगा जितना घी से अच्छा आता है। तो पहले हाई फ्लेम पर आपने घी को अच्छे से गर्म कर लेना है और उसके बाद मीडियम फ्लेम करके आप गुलाब जामुन डालें। और गुलाब जामुन आपने ठंडे घी में नहीं डालने, अच्छे से जब घी गर्म होगा फिर डालने, वरना गुलाब जामुन खुल जाएंगे और ख़राब हो जाएंगे बिल्कुल। और शुरू में आपने इनको स्पून के साथ नहीं हिलाना, एक दफ़ा इनको स्टिफ होने दे। जैसे ही थोड़े से स्टिफ हो जाएंगे और जिस तरह से वीडियो में आप देख रहे हैं थोड़ा बहुत कलर आ गया है, तो फिर मैं इनको हिला रही हूँ हल्के हाथों से। अगर आप स्टार्ट में ही हिला देंगे तो उस टाइम ये सॉफ्ट होते हैं, हिलाने से टूट जाएंगे। तो देखिए कितना परफेक्ट कलर आ गया है गुलाब जामुन का, बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब इन्हें घी से निकालते साथ ही इन्हें गरम गरम शीरे में डाल दें और उसके बाद ऊपर से इन्हें कवर कर दें और 30 मिनट्स के लिए इनको शीरे में पड़े रहने दें। 30 मिनट्स के बाद आप इन्हें सर्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर 30 मिनट्स हो गए हैं और अब मैं गुलाब जामुन को शीरे से निकाल कर सर्व कर रही हूँ। तो गुलाब जामुन को सर्व करने के बाद मैं उनके ऊपर शीरा डाल रही हूँ। सारा शीरा नहीं डालना, थोड़ा सा डालना है बस, और उसके बाद मैं इन्हें गार्निश कर रही हूँ पिस्तास के साथ। अब मैं आपको गुलाब जामुन को तोड़ कर दिखाऊँगी तो आप देखिएगा कि ये कितने ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसे लगे। इसी तरह की और मज़ेदार रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर लें। और अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। मैं आपसे मिलूँगी अपनी अगली वीडियो में एक क्विक, ईजी और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।